भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर पंजाब सरकार को चेतावनी दी। दरअसल पिछले दिनों पंजाब में चन्नी सरकार के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ षड्यंत्र मान रही है। प्रदेश भर में भाजपा द्वारा पंजाब सरकार का विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में गाडरवारा में यह कार्यक्रम हुआ। भाजपा के नेता कमल खटीक ने कहा, भगवान का शुक्र है प्रधानमंत्री बच गए। आज युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नरसिंहपुर द्वारा गाडरवारा विधानसभा में पलटनगंज से मानव श्रृंखला बनाते हुए कोविड का पालन करते हुए नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के साथ जो षड्यंत्र पंजाब में रचा गया वो तो भगवान का शुक्र है, नहीं तो खालिस्तानियों से प्रधानमंत्री जी का हत्या कराने का प्रयास पंजाब सरकार का था। ये घोर निंदनीय है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पंजाब में चन्नी सरकार ने जो षड्यंत्र रचा था उसके विरोध में हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री वैभव पवार जी के आह्वान पर एवं भारतीय जनता पार्टी भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री अभिलाष मिश्रा जी के निर्देशन में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला नरसिंहपुर द्वारा आज गाडरवारा नगर में मानव श्रृंखला का निर्माण कर अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है। साथ ही साथ हम सभी षड्यंत्रकारियों को ये गाडरवारा से संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि देश के प्रधान के साथ कोई भी अपमानजनक हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और युवा मोर्चा ऐसी किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देगा। बंधुओं, जैसा आप जानते हैं कि आज़ाद भारत के इतिहास में प्रथम बार हुआ है कि किसी राज्य के दौरे पर गए प्रधानमंत्री की इस यात्रा को इस प्रकार से बाधित करने की कोशिश की गई है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गरिमा है और विदेशों में जो भारत का मान बढ़ रहा है, न केवल उसको कम करने की साजिश है बल्कि आगामी चुनाव जो होने वाले हैं 5 राज्यों में उसको देखते हुए काफ़ी बड़ा षड्यंत्र है। ये जितना भी जिसकी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं कांग्रेस पार्टी की और उसके सरकार के पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री चन्नी की घोर निंदा करता हूँ। ऐसे कृत्य आगे ना हो इस प्रकार के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। भारत माता की।